बलराम लौटे नहीं, बहुत समय तक
फिर पुराणों में और देखा कि गोपियां क्या है, जो जाना जैसे शादी की हो, गोपियों का कृष्ण के प्रति इतना बहुना, कृष्ण के विरह में इतना तड़पन, इतनी विरह पीड़ा, यह देख देख कर प्रजवासी दंत रहे। जब कृष्ण दत्त वक्र को मार कर मथुरा से यमुना पार कर वृंदावन ब्रज में आए, तो महीने का ब्रज में निवास किया। गोपियां ब्रजवासी सभी आनंद में भरपूर हो गए। ब्रजवासियों ने उन गोपियों का जिनका विवाह पहले हो चुका था बचपन में, बोले कि ये सभी बातें भूल जाओ, जब कृष्ण के प्रति इतना मिल रहा है तब हम कृष्ण के साथ में विवाह कराएंगे। बोले क्यों? बोले कि द्वारका में द्वारका वासियों ने यदुवंशियों ने कृष्ण के साथ एक एक करके 16,108 लड़कियों से विवाह करा दिया। अब विवाह करा करके उनको संसार जाल में घर में फंसा दिया, इसलिए कृष्ण द्वारका से निकल कर आ नहीं पाते। तब हम लोग भी अपनी अपनी कन्याओं का विवाह करा करके कृष्ण को ब्रज में फंसा देने के बड़े से बात नहीं कर पाते जाएंगे, इसलिए सभी ब्रजवासियों ने निर्णय किया और सभी ने अपने कन्याओं का दान समर्पण, जो कि पहले एक बार विवाह हो चुका था, मतलब भूल जाओ परिवार, बोलो मत, अभी सभी कन्याओं का कृष्ण से दोबारा विवाह हो विवाह करा दिया दान कर। तो उसके बाद में नित्य लीला में प्रवेश दिखाया गया मधुपुरा में, इस तरह से व्रत की कथाएं। जबकि हमारे गोस्वामियों ने लीला सूत्र के आधार पर राधा जी का विवाह जावत में आयन घोष के साथ में कराया, वो पौर्णमासी देवी के वचन के साथ, उन्होंने भी देखा कि राधा जी का परंतु प्रेम की जो पराकाष्ठा है बिना विवाह के नहीं हो सकता। तो इसके साथ ये सभी कथाएं तो वहां हुई है, परंतु प्रेम की जो प्रगाढ़ता है वो प्रकाशित। जय जय उज्जवल रस सर्वरस सार भावे जावा ब्रज से प्रचार, उन्नत उज्जवल मधुर रस वर्गीय भाव से ब्रज में प्रचार। वर्गीय कहने से यह लगेगा सामान्य रूप से जैसे देखा जाता है विवाहिता पत्नी अपने पति के साथ संबंध होते हुए भी कोई दूसरे पुरुष के साथ में जब संबंध हो और अंदर ही अंदर प्रेम भाव प्रकट हो उसको क्या कहेंगे? वर्गीय प्रेम। तो ये वर्गीय कहा जाएगा गोपियों का। अब देखिए गोपियों का राधा जी का अपने पति के साथ में अनुराग प्रेम संबंध और कृष्ण के साथ में भी प्रेम संबंध क्या एक था? नहीं माता जी, जानकी माता जी, नहीं था। क्यों? भले ही
बचपन में नौकरी दान करना था और जो कन्यादान होता है जो दान होता है वो होगा। जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज थे पहले पहले कन्यादान होता था गौरी दान होता तो कन्यादान छोटी छोटी कन्याओं का दान होता था और गौरी दान 9 वर्ष से पहले ही होता है। जबकि हमने एक जगह देखा बोला भाई एक छोटी सी लड़की 4-5 साल की तो उसके ग्रैंडफादर उन्होंने क्या किया कि एक लड़की के साथ में छोटे बच्चे के साथ में उसका समुद्र रात में उस लड़की को भी काफी पैसे वैसे दिए उसको पढ़ाने लगे बोले और सब कुछ लड़की तो वो समुद्र खराब है तो हम जब जाते जाते हैं देखते हैं छोटी बच्ची है उसको बड़ा मजा करता है सभी लोग। मैंने बात किया तब मेरे जानकारी में आया कि इसको उस लड़की के साथ में शादी करा दी शादी जाके पाकिस्तान करा दिया सब कुछ ठीक करा दिया जो कि गंगराब में तो जाती नहीं है छोटी लड़की है पर जबकि बड़ी हुई उसका दोबारा विवाह हुआ दोबारा शादी हुआ उसके बाद तो ससुराल गए पिछले साल उसको देखा मैं हंसने लगा बोले कि देखो ये पहली वाली रिवाज है पहले तो कन्यादान किया इसके बाद में दोबारा शादी करा करके उसको पति के घर में और भेजा तो उसको देखा पिछले साल तो ये होता है कन्यादान गौरीदान हुआ किसी के साथ संबंध जोड़ दिया बना दिया परंतु संसार संबंध नहीं आना जाना उठना बैठना प्यार प्रीति हो इसलिए ये सभी संबंध जोड़ा परंतु घर संस्कृत करने को अभी पूर्ण अधिकार तो दिया ही नहीं मिला ही नहीं गोपियां कितनी बड़ी थी जब कृष्ण 8 वर्ष से तब रास नहीं लगती कृष्ण 11 वर्ष तक गोपिया भी वैसे उम्र थी पर अब देखिए कुछ कम कुछ आगे ऐसी कोई अधिक बड़ी तो नहीं थी। अभी जो संबंध किया था बोले कि भूल जाओ ऐसा तुम्हारा शादी करो तो कृष्ण का दोबारा शादी हुआ गोपियों का कृष्ण के अतिरिक्त बचपन से दूसरे किसी के साथ कोई संबंध नहीं भले ही दूसरों पुरुषों से उनको जोड़ने के लिए बहुत प्रयास किया बहुत माथा खोली की माथा बच्चे की गई परंतु कृष्ण से अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते इसलिए तो श्री रूप गोस्वामी पाद में गोपियां पति प्रता शिरोमणि चेतन चेता में तुम्हें भी कहा पति प्रता शिरोमणि गोपियां जार पाते प्रत्य हो पांच सभी अरुण भक्ति ये सभी बातें आई तो पति प्रता शिरोमणि ये सभी तो पढ़िए कहां से होते अरे दो पुरुष के साथ में संबंध हो तब तो परिज्ञा माना जाएगा इन लोगों का दो संबंध दो पुरुष के साथ संबंध है ही नहीं एक पुरुष के अतिरिक्त कृष्ण कहते तो परिज्ञा कहां से आए फिर उदाहरण कह रहे हैं जय जय उज्जवल रस सर्व रस सा परिज्ञा होना भी अहम नहीं थी प्रचार श्री गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी पास कह रहे हैं भाई बड़ी विचित्र बात है परकिया लक्षण क्या है सकिया लक्षण क्या है सकिया में क्या होता है विवाह विधि और एक सीमा होती है मर्यादा होती है जब सारी सीमाओं को तोड़कर सारी मर्यादाओं को तोड़कर महान प्रेम की पराकाष्ठा देखी जाए तब
तब वहां उस समय सखी अभाव नहीं होता, पर तो दिखाया कि भाव की कोई सीमा होती है सखी अपने विवाह में। यहां तो कोई सीमा ही नहीं, सीमा को अपने कम करके को क्यों का भाव। इसलिए असीम अनंत भाव के सखिया में क्या दोष है, क्या कमी है, सखिया में क्या चीज होता है। वैवाहिक जीवन में पहले पहले नए नए विवाह में बड़ी उत्सुकता होती है एक दूसरों से मिलने की, बड़ी आसक्ति है, बड़ी उत्कंठा है। दो चार दस बीस बार मिल लिया, दो चार बरस निकल लिए, सब फीका पड़ गया, फीका हो गया, बोले तो कुछ नहीं है ना। वो आसक्ति उत्कंठा मनोदार नहीं रहता है। घर गृहस्थी जीवन में क्या होता है, पति पत्नी के जीवन में, वैवाहिक जीवन में पत्नी यदि कोई पति का दोष देखती है तो पति भी पत्नी का दोष देखने लगते हैं। अरे कोई दूसरे से बात करती है, दूसरों से हंसती है, फोन करती है, जब कोई समझ जगह स्थिति है बोले दूसरे से फोन करती रहती है, कोई मतलब नहीं जा उसके साथ पत्नी में झगड़ा करेंगे नहीं झगड़ा। कोई कुछ ऐसे बोलते रहे हमें सुनाते रहे, हम लोग चुपचाप सुनते ही रहते हैं क्या अंतर है। तो ये सभी बात है कि एक दूसरों का दोष देखना, संदेह दृष्टि से देखना, यही सब होता है। तो इससे प्रेम घट जाता है। तीसरे नंबर में स्त्री को पति के अधीन बनकर के रहना होता है, जैसा चाहेगा जैसे होगा, जैसे करे जैसे चाहेगा वैसे होगा। इसलिए प्रेम की कोई स्वाधीनता है, भाव की कोई स्वाधीनता है। कोई बात जीवन में यही प्रेम जो कि कुछ ऊंचे स्तर से नीचे गिरता चला जाता है, ऊपर को बढ़ता ही नहीं, ऊपर को चढ़ता ही नहीं, नीचे गिरता जाता है, ऊपर को जाता ही नहीं। और गोपियों का प्रेम कब मिले कब न मिले दैवे राधा, कभी मिलन होता है कभी नहीं, हजारों बार है। और उन हजारों बारों में कदाचित मिलन हो जाए वो दैव से हो जाए, और एक बार हमने क्या बोला है और राय उत्कंठा और भी बढ़ती चली जाती है। इसलिए उनका जो है कितना बढ़ता चला जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। और हजारों बार है ललित माधव विदर्भ माधव नाटक में क्या है दृश्य, जावट की सारी कथाएं और जावट की सारी कथा बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे मिलन की घड़ी आ रहे हैं कि अभी मिलन होगा, बड़ी कठिनाई में जाकर के मिलन करा रहे, परंतु मिलन की घड़ी में ले जाकर के फिर एक विच्छेद कराने वाला करा दिया, चक्कर में डाल कहीं अंत में जाकर के एक बार मिलन दिखा हजारों बातें। इन बातों के साथ प्रेम पर बढ़ता गया और दूसरे के विरह में वो प्रेम की परावधि पराकाष्ठा तो देखेंगे। इस प्रकार और क्या है, गोपियां कृष्ण को कभी दोष नजर से नहीं देखती, गोपियां जानती है बहु नायिका बल्लभ है, कृष्ण जो है बहु नायिका बल्लभ, एक नायिका में स्थिर रहता है, वो तो कितने नायिकाओं में है कोई पता ही नहीं, बहु नायिका बल्लभ है। इसलिए गोपियां मन भी कर लेती है, रुड़ जाती है, बोलती भी है, सब कुछ करती है, पर
अपनी दोष नजर से नहीं देखते। राधा जी दुर्जय मान कर लेती है, रुट जाती है, कृष्ण मनाने के लिए जाते हैं। जावट में कृष्ण ने भिक्षा की झोली लेकर के गए, जाकर के मान मनाने को ब्रह्मचारी बोटू का वेश धारण किया। गुरु जी के अंदर बड़े बड़े तिलक करके पहुंच गए, दरवाजे पर खड़े होकर के बोले कि अलग तिरंग जना अलग तिरंग जना अलग तिरंग जना मात्र भिक्षा देगी। जटका माता जी आओ भिक्षा लेकर के आए, सजा सजा करके दरवाजे पर खड़ी हो गई, बोले लो भिक्षा लो। साधु तो एक छतरी लगा करके आया, भिक्षा की झोली कंधे में है, बड़ा बड़ा तिलक लगाया हुआ, देखने में बड़ा सुंदर साधु है भाई। और साधु बाबा भिक्षा लो, साधु का मुंह सूख गया, मन घुमाते बोले तुम्हारे घर में कोई सदवाई स्त्री नहीं है क्या? अरे कोई सदवाई स्त्री देते हैं साधुओं को भिक्षा, हम ब्रह्मचारी बटू है। तो वो भी समझ गए, बोले अच्छा अच्छा अभी अभी मैं अपने बहू को भेज रही हूँ। तो जटका गई अंदर जाकर के बहू रानी राधा जी को कहा, राधे अरे जल्दी से जल्दी जाना, एक साधु आया उसको भिक्षा दिया। राधा जी बिगड़ जाते बोले मुझे भी इससे कोई मतलब नहीं, वही पुरुष साधन का मुझे देखना, मुझे इधर काली भक्ति रहते हो अभी भिक्षा देने जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। बोले अरे नहीं नहीं मैं काली नहीं दूंगी, तुम भिक्षा तो दिया नहीं तो सुबह सुबह साधु चला जाएगा, घर का अमंगल होगा, भिक्षा नहीं मिले। उस समय राधा जी लंबी घूंघट डाल करके सीधा का थाल लेकर के दरवाजे से बाहर आई खड़ी है। लोग भिक्षा लो, दो अंगुली के बीच में से कपड़े के आड़ से देखती रहती है, आज भी ब्रज की महिलाएं घूंघट के अंदर से बड़े सुंदर क्षण खड़ोना भिक्षा तो लो, तो भिक्षा लेते ही नहीं खड़े। बोले कि तुम सदवा हो या विधवा, मैं कैसे पहचानू, सिर का कपड़े तो उठाओ। सिर का कपड़ा हटाया, बोले अब तो भिक्षा हो। तब कृष्ण क्या करते हैं, ये राधे मैं भिक्षा तो लेने आया पर ये दाल चावल की भिक्षा नहीं, मैं तो लेने आया तुम्हारे मान की भिक्षा, तुम हमारी झोली में अपने मान को भिक्षा दे, यही भी चले। इतने में राधा जी ने क्या की, थाली ले करके श्याम सुंदर के सिर पर ढाल दिया, उड़न दे पूरा थाली। अब तेल घी मसाला दाल चावल हल्दी जो कुछ भी था सारा के सारा गिरा दिया, खुद बना दिया। बोले अब हंस करके राधा जी लेकर के घर चले गए, अंदर चले। उधर में कृष्ण भी प्रसन्न होकर निकल गए चले गए, और राधा जी थोड़ी देर में मानव मन छोड़ करके तैयार होकर के निकले, आओ घर से बाहर कहां जा रही है, जावट से नंदगांव। तो इस प्रकार जहां ऐसी ऐसी मंदिर ले आए तो वो जावट जहाँ इस परमीय प्रेम के प्रेम का आस्वादन, जो प्रेम की पराकाष्ठा का आस्वादन इस रूप में दिखाया। इसलिए परमीय का मतलब समझे कि राधा जी का आयुष के साथ समुद्र रहा और कृष्ण के साथ में भी कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को जाते ही नहीं, मन प्राण हृदय से आंखों से नजर से समुद्र से। महाराज ने राधा जी के लिए पावन सरोवर के सन्निकट में एक भवन भी बना दिया था, और राधा जी जहां से प्रतिदिन नित्य प्रति मंत्र भवन में जाया था, जहां
हमारे सुना उनको गोदी में लेकर के लाल प्यार था, अपने हाथ से खिलाते खिलाते पुत्री दोनों ही माँ के सामने उनको पुत्री का ज्ञान और माता बहु का ज्ञान चाहे कुछ भी हमारा घर की हमारे घर की इतना स्नेह होता इतना प्रेम प्रति वहां कोई समुद्र स्थिर नहीं उसको जैसे सेवा में प्रेम में होता है कि उस समय कुछ दिया नहीं जाता न कुछ कहा जाता है जैसे भगवान श्री राम हनुमान जी को कुछ दे नहीं सके न कुछ बोल सके बोलने का शब्द नहीं होता देने का कोई वस्तु नहीं होता है इतना महान प्रेम हो जाता है उस समय समुद्र को सब कुछ पार कर जाता है तो ये स्थिति प्रतिगोपियों की राधा की भाव किस तो इसलिए उस जावर से ही उस महान प्रेम का आस्वादन हुआ और विचित्र प्रकार की लीलाएं हुई राधा जी नित्य प्रति जैसे नंदगांव जाती है भोजन पकाती है बनाती है कृष्ण वहां भोजन करते हैं और फिर लौट के आते हैं तो गोपियां जब जाती हैं तेल कदम में तो तरह तरह की लीलाएं इस प्रकार विचित्र भाव पर भी जो नित्य ध्यान में नित्य लीला के स्मरण में जाव और नंदगांव के बीच की जो विस्त समुद्र है राधा और कृष्ण का वही हमारे गौरी वैष्णवों का स्मरणीय आराध्य विषय है जो कि निरंतर स्मरण करते हैं आराध्य इस प्रकार आज हम लोगों ने से जाप का दर्शन किया और उन सभी स्थानों में गए वैष्णवों ने बताया वर्णन किया अभी कुछ वैष्णव कुछ वर्णन करें से आश्रम महाराज जी को अभी बताए यही मैं निवेदन करता हूँ कुछ बात से आश्रम महाराज
gathers for Gilgal. We passed Barshan, and I was in a car with Padmanabharaj, and we remembered how when we first came to Shubhude, we used to stay in Modi Baba. At that time, Parikrama was 100, 200, 5 buses. And there would be one panel outside the building in the yard. And there Srila Gurudev, he would have us speak on Radha Tattva for so many days. So I was thinking that I was remembering how when I first came to the Sangha and I would hear Pujapatita Maharaj, back then Shyam Prabhu was such a young boy. Pujapatita Maharaj, they would speak on Radha Tattva. Then I said, oh my God, let me just hide. There's no way. And so today I'm feeling, let me just hide. But I'm feeling somewhat inspired to think today to speak more on Radha Tattva. It is linked up with our trip to Yavat and also very much linked up with our reading of Gauravananda Sambhava. So yesterday, Pujapatita Maharaj was speaking very nicely on Radha Tattva. I want to touch some of those points and then actually go into points which were presented by Srila Krishna Kaviraj Goswami in Sri Gauravananda Sambhava. Then the Vedas is stated, Parasya Shakta Vividashya Shrite Sobhavi Gyan Balakrishna. Then the Supreme Lord, He has multiple various energies. And amongst these three are prominent, Antaranga Shakti, Bahiranga Shakti, and Prakasa Shakti. In Gauravananda Sambhava, Srila Krishna Kaviraj Goswami has written, Anandam Se Tadini, Sadam Se Chadini, Chiram Se Sambhityani, Gyanam Koimani. That three potencies or three functions of the Srupa Shakti, Sandini, Sambit, and Ladini. That the Sandini Shakti, that this is the potency of existence. And Lord Balaram, he's a predominating deity. And by this potency, then the different types of planets, Kiriraj, Govardhan, the bodies of Krishna, Radharani, and their associates, they all manifested through the Sandini Shakti. And through Sandini Shakti, the potency of consciousness is that knowledge of love of God. But in Vrindavan, in Braj, it's explained that through this Sandini Shakti, then the different mellows in Sakiras, Vatsalaras, Maduras, they're manifested, and then in Ladini Shakti, then one is able to dive into this ocean of bliss. So, Ladini Shakti is predominated by Shantaranga. In Chaitanya Charitamrita, again, describing Sri Shantaranga, it's explaining Radha Krishna Pranay Shakti Ladini Shakti Asman, Ekatmanana Kibuli. That what is the position of Srimati Radhika? That Radha is Krishna Pranoy. The love of Krishna, Krishna Pranoy Vikriti, Ladini Shakti Asana. That when that Pranoy, that love which is there within Krishna, which is Ladini Shakti, when it undergoes the transformation of manifest of form, then that is Srimati Radhika. Pujipava Gauravananda explained yesterday that this Pranoy Vibhuti, Ladini Shakti, has two aspects, Murta and Amurta. That Ekatmanabhi Guri Puram Deham Vedam Puto.
the Ekha Atma, that Radha and Krishna, they're one. But for pastimes, then they manifest in two forms. So Srila Prabhupada has explained that Krishna means was in Vansavas, and then his desire to pray Vilas, and manifesting from his left side is one Kishori. And she has such deep Rav and Rav, and she's running, calling out Krishna, Krishna, Krishna. That personality with Rav, Rav, and who's running, Lavati, that this is Rav. That she's this manifestation of Lalini Shakti, and in Chaitanya Charitamrita also explained. Ladini Sapre, Prem Sava, Bhavera Paramakasa, Nam Mahava. That the essence of this Ladini Shakti, that this is Prem. That this Prem is resplendent like the sun within the heart of Shrimati Radhika. And the most minute atomic aspect of this Prem manifest in this world as Shraddha. That this Shraddha, Shraddha Shraddha Vishas Kahi Suri Dhanas Joy Krishna Bhakti Kali Sava, Kama Krita Vaya. That this Shraddha, which is the most minute aspect of Prem which is manifest in this world, it develops through the stages of Adushraddha, Tasadu Sangha, Anantra, Vrithi, Nishan, Ruchi, Asati, Bhav, and then Prem. It says, but this Prem, then it has its different stages. That in Chaitanya Charitamrita, it's been explained that this frame has different stages of Sneha, Man, Pranoy, Rav, Anurag, Bhav, Mahabhav. And that it can be likened to the development of sugarcane juice. That sugarcane juice, the rasa, that when frame it thickens, and this chitta, chitta, when it is inflamed within the heart, and it enlightens the heart, it melts the heart, when there is a very deep attachment that one cannot do without the beloved, then this is sneha. That in state of sneha, there's Krita sneha and Madhu sneha. The sneha, Srimati Radhika, this is Madhu sneha. So here in Roy Ramananda Sambhad, Srila Krishna Sarvaj Goswami very, very beautifully then he starts to explain how these different aspects of praying of Srimati Radhika are manifesting in the body and the conscience. He explains Radha Prati Krishna Sneha Sugandhi Upatani Tate Hati Sungandhi Deha Ujwala Parani. That in the early morning, that Krishna, just as he went to Yavat, and there's explained that every morning, that Radharani, she's going along with her sakis, and she's going to Nandgam, and she's cooking. But one time, Jatila, she stopped Radharani. She said, why should my daughter-in-law always be going there to Yavat? That this is not proper. And then, a pastime was enacted, I do not want to go into great detail, where finally she relented and she allowed that, oh, Radharani, every day she can go to Nandgaon and she can go to Krishna. But for the time that she was not going, then Krishna, he was undergoing such a deep separation. Mother Rohini was looking for him, but he was not satisfied. And Radharani, understanding that Mother Rohini, that Krishna is undergoing so much pain, not having her association, then she also, she felt such great pain. So
So Srila Krishna Charitamrita Goswami, he's explained. Karunyam Vitadarai Snan Vatam Karunyam Vitadarai Snan Vatam Lavanyam Vitadarai Kalupari Snan Nijalajasham Patasati Paridam. Said that in the early morning, as Shanti Radhikrishna takes her first bath in shower of compassion, that she's feeling so much compassion that Krishna is suffering, that she cannot come and she cannot cook for him. Also, it's explained that this early morning, and this is meeting the stage between her Purnanda age and her Kishori age, where she's just entering into her youth and she's taking her first shower in this compassion. And then she goes and she's cooking for Krishna. And then later on in the day, here it says, Lavanyam Rita Dharvai Padal Parishnan Tarunyam Rita Dharvai Snan Madhya. That her second bath is in the midday. There she goes to Radhakund. And there Krishna, leaving her his friends behind, he goes and meets her in Radhakund. And there they engage in so many pastimes. And then they take the midday bath. And in this midday bath, now she's decorated with youthfulness. And then they perform their ever-sweet pastimes. So, Sri Krishna Charitamrita Swami is explaining that Radha Prati Krishna Sneha Sugandhi